और ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे। आज के इस वीडियो में मैं टॉप 3 फास्ट स्किन वाइटनिंग क्रीम बताने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है आप में से कई लोग मुझसे नाराज हो और कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि सर आप इतनी सारी क्रीमें बताते हैं तो हम आखिर कौन सी ले, हम क्या करें। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं मेरी ही बताई सारी क्रीम्स में से टॉप की 3 बेस्ट क्रीम्स कौन सी है ये बताने जा रहा हूँ। हर व्यक्ति के स्किन वाइटनिंग के बारे में विचार करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात कि कई लोग मुझसे नाराज भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बस अपना चैनल चलाने के लिए इन क्रीम्स का एडवर्टाइजमेंट करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूं कि ये कोई मेरी खुद की क्रीमें नहीं है। जी हाँ, ये बात सच है कि स्टेरॉइड्स का प्रमोशन करने के लिए कई कंपनियां मेरे आगे पैसा फेंकती है, लेकिन मैं औरों की तरह नहीं हूं। दोस्तों, बाकी रही बात चैनल को चलाने की, तो मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल आगे बढ़े, लेकिन आपको ठग के नहीं, मैं आपका दिल जीत कर आगे बढ़ना चाहता हूं। इसलिए हर वो व्यक्ति जो चैनल पर कमेंट करता है उसको मैं जवाब भी देता हूं और पूरी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। बाकी बस इतना कहूंगा कि आपसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे गलत मत समझना, आप लोग ही मेरा सब कुछ हो। आज के इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, वरना मुझे अपने से छोटा समझकर मुझे माफ़ कर देना। आइए शुरू करते हैं नंबर 3 के क्रीम से। नंबर 3 पर है बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर शेट्स की सनस्क्रीन। इस क्रीम की सबसे खास बात ये है कि ये एक डॉक्टर ने बनाई है, और इसकी ये खास बात इसलिए है क्योंकि एक डॉक्टर बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में दिन भर में आता है और उन्हें पता होता है कि आखिर स्किन में क्या इस्तेमाल करना चाहिए सही मात्रा में ताकि लोगों को अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। और इसलिए मैं भी इस क्रीम को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये जो क्रीम है हाइब्रिड सन फिल्टर्स की मदद से बनाई गई है। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते हैं और अगर आप बाहर जाने का आपको काम पड़ता है, यानी कि आपको एक अच्छे सनस्क्रीन की तलाश है, तो ये सनस्क्रीन आपके लिए सही साबित हो सकती है क्योंकि जब आप इसे लगाकर बाहर जाते हो तो ये क्रीम धूप में भी आपका चेहरा कभी भी काला नहीं पड़ने देती। लंबे समय तक इस्तेमाल आप इस क्रीम का कर सकते हो और इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और ग्लोइंग होती आपको नजर आएंगी। इस क्रीम की सबसे खास बात ये है कि किसी भी आसपास के मेडिकल स्टोर में ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी और ये क्रीम कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देती। ये एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है जिसे अगर आप बाहर जाने से पहले लगाओगे तो आपको इस चीज़ का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि मेरी स्किन डल तो नहीं पड़ जाएगी, तो ऐसा आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप फेयरनेस को प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़े से ग्लो को हासिल करना चाहते हैं, स्किन वाइटनिंग प्राप्त करना चाहते हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है क्योंकि आपको बहुत बार बाहर धूप में जाना पड़ता है, तो इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये क्रीम क्या करती है कि आपके चेहरे से जो डल स्किन है, आपके चेहरे के ऊपर जो बहुत ज़्यादा खराब स्किन हो चुकी है जिसके अंदर ग्लो नहीं है, उसको हटाकर बहुत ही तेजी से आपके चेहरे को वाइटन और ब्राइटन करने का काम करती है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि आखिर ये ऐसा काम क्यों कर पाती है, तो सबसे ज़रूरी बात है कि इसे उस तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इंडियन स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है और इसीलिए ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो आप सभी लोगों को मेरा यही सुझाव है कि अगर आप एक अच्छे सनस्क्रीन के तलाश में हो और आपको बाहर जाने का काम पड़ता है तो इससे बेहतरीन क्रीम आपके लिए शायद ही इंडियन मार्केट में फिलहाल अवेलेबल होगी। बात करते हैं नंबर 2 की क्रीम की, तो नंबर 2 पर आती है मिस्ट एंड डिव एवर यूथ क्रीम। दोस्तों, हमारे चैनल पर कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि फेयर एंड लवली जैसे केमिकल वाले क्रीमों का इस्तेमाल करती है। अगर आप चाहते हो कि आपको सच में स्किन वाइटनिंग मिले, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, या फिर कोई ऐसा पर्सन इस वीडियो को देख रहा है जिसके चेहरे के ऊपर एक्ने स्कार्स है और बहुत ज़्यादा एक्ने भी रहता है, तो ऐसे में आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर आपके चेहरे के ऊपर हेवी पिगमेंटेशन यानी कि बहुत ज्यादा कालापन है, बहुत ज्यादा काले मार्क्स है, तो उसे कंट्रोल करने का काम करता है। ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल क्रीम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी पैराबेन इस्तेमाल में नहीं लिया गया है और बढ़ती उम्र वाली महिलाएं अगर इसका इस्तेमाल करती है तो ये आपके चेहरे पर एंटी एजिंग इफेक्ट को भी लेकर आता है। ये एक केमिकल फ्री क्रीम है जो कि आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो ऐड कर सकती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 16 से ज्यादा है वो इस क्रीम का इस्तेमाल
कर सकता है। और अगर आप एक बेहतरीन रेगुलर क्रीम के तलाश में हो तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में इस क्रीम का जिक्र किया है और ये सबसे बेस्ट क्रीम है जो कि आपको आसानी से कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगी। ये आपके चेहरे के ऊपर नेवर एंडिंग ग्लो को ऐड करती है, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल बंद कर दो तो आपका चेहरा खराब नहीं होगा। बस शर्त है कि आपको अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा समय के साथ साथ डल पड़ गई है तो ग्लोइंग स्किन के लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन क्रीम है। कई लोगों का जो चेहरा है वो प्रेगनेंसी के बाद में ख़राब हो जाता है, कई लड़के ऐसे होते हैं जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा डल पड़ जाता है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, तो ऐसे में भी ये क्रीम आपके लिए बेस्ट साबित होगी। और अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्सेस टैन यानी कि एक्सेस कालापन है और आप अपने कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो मेरा यकीन मानो ये आपके लिए बहुत ही सही क्रीम है, बहुत ही बेस्ट क्रीम है, बहुत ही आला और उम्दा क्रीम है। तो ये था दोस्तों नंबर टू, और अब बात करते हैं नंबर वन की, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट क्रीम है, जो कि है स्वैरसा नीव्र SPF क्रीम। इस क्रीम की सबसे खास बात यह है कि ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है और केमिकल फ्री क्रीम है। ये 100% नेचुरल एक क्रीम है जिसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप इसे धूप में जाने से पहले रेगुलरली इस्तेमाल करते हो 15 से 16 दिन, तो आपको अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन में इम्प्रूवमेंट नजर आएगी, आपका खराब चेहरा आपको ठीक होता नजर आएगा। अगर कोई टीनेजर इस वीडियो को देख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है, जिन्हें बहुत बार बाहर जाने का काम पड़ता है, जिनका अक्सर जो काम होता है वो धूप में होता है, तो मेरा यकीन मानिए हर इंडियन मैन और हर इंडियन वुमेन के लिए ये एक बेस्ट क्रीम साबित हो सकती है। आप चाहे लड़का हो लड़की हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 15-16 दिन अगर आप इसे सही से लगाते हो तो आपको अपने चेहरे में ऐसा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको आज तक कभी भी देखने के लिए नहीं मिला होगा। ये आपको ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड कराने का काम करती है, साथ ही साथ ये सन प्रोटेक्शन भी इतना बेहतरीन प्रोवाइड करती है कि जब आप इसे लगाकर बाहर निकलते हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये धूप में भी आपके चेहरे को काला नहीं पड़ देती, लंबे समय तक आपके चेहरे को गोरा रखने का काम करती है। और अगर आप इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म करते हो तो नहले पे दहला, इससे बेहतरीन कोई क्रीम आपको पूरे इंडियन मार्केट में कहीं भी नहीं मिल सकती। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छे सनस्क्रीन के तलाश में हो, यानी कि अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपको धूप में बाहर भी जाना पड़ता है, तो ऐसे में अगर आप स्किन वाइटनिंग को भी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप अगर घर पर भी रहते हैं और इस क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे के ऊपर करते हैं रोज सुबह सिर्फ और सिर्फ एक बार, तब भी आपको ग्लोइंग इफेक्ट आपके चेहरे के ऊपर देखने के लिए मिलेगा और वो ग्लो नेवर एंडिंग रहेगा, कभी भी खत्म होगा नहीं। अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल बंद भी कर दो तब भी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे एक बार लगाना स्टार्ट कर दोगे तो रिजल्ट्स इतने बेहतरीन होंगे कि आप जाकर भी इसे बंद नहीं करोगे। तो ये थी वो टॉप 3 क्रीमें और मुझे उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। स्क्रीन पर आपको इसकी प्राइस भी दिख रही होगी। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। बाकी यार दोस्तों कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ करके आप उन्हें भी देखना अगर आपके पास में समय रहा तो। बाकी यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद है छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको गलत या बुरी लगी हो तो मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।